हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे फ्लावर के बारे में बताने वाली हूँ जो कि इतना सुंदर है और उसकी स्मेल इतनी सुंदर है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत कम लोगों को उस फ्लावर के बारे में पता होगा। मैं बात कर रही हूँ कैलाशपति फ्लावर के बारे में। मुझे नहीं पता बाकी सारे स्टेट में उसको किस नाम से बुलाते हैं मेनली, पर यहाँ सूरत गुजरात में जो फ्लावर है उसको इसी नाम से बुलाते हैं, कैलाशपति फ्लावर के नाम से, जो कि मुझे रिसेंटली पता चला कि ऐसा भी कोई फ्लावर होता है। उस फ्लावर में एक फ्लावर है, बीच में शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर शेषनाग है। इतना सुंदर फ्लावर है, वो इतना सुंदर फ्लावर है और उसकी स्मेल इतनी अच्छी है। अगर आपके पास एक फ्लावर भी घर में है तो आपको पूरा घर महक जाने वाला है। तो मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, तो मैं आपको सबसे पहले उसकी वीडियो दिखाती हूँ। प्लीज़ देखो, मुझे बताना कि कैसा था वो फ्लावर। अब बाकी की चीज़ें भुन्नू बताएगा आपको कि वो फ्लावर कैसा था और कितना सुंदर था। भुन्नू, वो फ्लावर कैलाशपति फ्लावर कैसा था? मतलब उधर कमल का आसन था और उसके आगे उसके छोटे से शिवलिंग और ऊपर से शेषनाग। हाँ, कमल का आसन, एकदम करेक्ट, इसे बिल्कुल सही बोला है। कमल का आसन था, कमल जैसा फ्लावर का, उसके अंदर छोटी सी शिवलिंग और उसके ऊपर शेषनाग फ्लावर था। मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, मैं आपको उसकी वीडियो दिखाती हूँ, चलो देखते हैं। तो ये है हमारा कैलाशपति फ्लावर, जिसको आप देख सकते हो कि इसकी साइज़ कितनी ज़्यादा बड़ी है, कितना बिग है, और आपको इसके सेंटर में दिख रहा होगा एक छोटी सी शिवलिंग और इस शेषनाग का शेप बन रहा है इसके ऊपर। इसकी इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, जैसा कि आप देख सकते हो इतनी सुंदर इसकी पत्तियां हैं, और इसका जो शेषनाग का शेप है वो भी इतना अच्छा बनाया हुआ है। मतलब नेचुरल फ्लावर, इतना सुंदर फ्लावर मैंने आज दिन से पहले कभी देखा नहीं था। कमल के आसन जैसा पूरा इनका है, बैक साइड से भी देखो पूरा शेप इतना सुंदर है, और इसके जो शेषनाग वाला है उसको आप पास से देखोगे बिल्कुल नाग के जैसे मुंह दिखता है उनका, इतना सुंदर फ्लावर। और बीच में जो छोटी सी शिवलिंग है वो भी बहुत ही प्यारी लगती है इसकी। और ये फ्लावर मेनली तमिलनाडु के पौंडीचेरी में पाया जाता है, और ये फ्लावर एक ट्री पर पाया जाता है जिस ट्री का नाम है कैनन बॉल ट्री। और इस पेड़ का एक फल भी होता है जो कि बिल्कुल बिलपत्र के फल जैसा ही होता है। तो अगर आपको ये फ्लावर पसंद आया हो या आपको कुछ नया जानने को मिला हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप पहले से इस फ्लावर के बारे में जानते थे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप कौन से स्टेट से हैं और इसको क्या क्या बोलते हैं आपके स्टेट में। और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।